वेलकम। आज हम इस नाइन्थ क्लास की पंजाब के टेक्स्ट बुक बोर्ड से 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये तीन क्वेश्चंस मिलेंगे। शायद वीडियो लंबी हो जाए तो आपने फिर थाम के बैठना है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इट सेज इन द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कम्फर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसने इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से जोड़े आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको एक रूल समझाया था वीडियो में। अगर आपने नहीं समझी वो बातें तो आप पिछली वीडियो में ज़रूर जाके देख सकते हैं। क्या बात थी, हमने कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आपने पहले कॉलम्स देखने, किसके ऑफ फर्स्ट मेट, पहला जो आपका मैट्रिक्स है जो भी दिया गया है उसके कॉलम वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज के, किसके बेटा, रोज ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स के जो है रो के इक्वल होना चाहिए, तो वो मल्टीप्लीकेशन हो सकती है उनकी। इसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए अगर हम पहले मैट्रिक्स को लिख लें तो पहले मैट्रिक्स में वन, सिंपली फर्स्ट इज़ वन एंड देन ज़ीरो, देन माइनस वन एंड देन इट इज़ टू। ये मैट्रिक्स हो गया पहला। अच्छा, इसका आर्डर भी लिख लिया आप, टू बाय टू है, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें बाय माइनस टू एंड थ्री से। तो आप देखें इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर है टू बाय वन। हमने आपको कहा था अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि पहले का मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तो ये बात है। तो हम यहाँ कहेंगे यस, यहाँ पर दे कैन बी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, ये कंफर्म हो गई बात, ठीक है। यही बात आपने हर क्वेश्चन में देखी। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, तो इसमें पहले मैट्रिक्स का आर्डर 2x2 है, सेकंड मैट्रिक्स का आर्डर भी 2x2 है, और बातें वही हैं कि ये इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ आल्सो कैन बी मल्टीप्लाइड। अगर चलें इसके आगे देख लेते हैं, तो पहले मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो 2x1 है, दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड क्वेश्चन में देखें इसका आर्डर है 2x2। क्या आप बता सकते हैं कि इनके कॉलम्स एंड रो सेम हैं कि नहीं है, तो देखें पहले के कॉलम दूसरे मैट्रिक के रो के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे नो दिस कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। अगर यही बात हम तीसरे क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखें, तो यहाँ पर हमारे पास है 3x2 और यहाँ पे है 2x3, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम कहेंगे देखें क्या इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, तो हम कहेंगे यस इट कैन बी मल्टीप्लाइड। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करना नहीं बस बताना है आप। इसे देखते हैं तो इसमें आपके पास हैं 2x3 और इसे देखते हैं 3x2 है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक की रो के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है हमें इफ़ ए एंड बी इज दिस वन, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। अब इसमें इसने शर्त लगाई है कि आपने थोड़ा चेक करना है, शायद ये पॉसिबल भी ना हो, लेकिन पहले में इसने शर्त नहीं लगाई तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि शर्त लगाए या ना लगाए तो आपने वो चेक नहीं करनी, चेक आपने हर वक्त करनी है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा, कहता है इफ़ ए ये है बी ये है, फाइंड ए बी।
तो सबसे पहले आपने ए बी की मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया है, तो ए मैट्रिक्स कौन सा है? ए मैट्रिक्स है 3 and -1, 0 and 2। इसे बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, व्हाट इज बी? दैट इज 6 and 5। अब देखें यहाँ पे थोड़ा समझिए, पहली की ईच रो को मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका, सेकंड के ईच कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले मैट्रिक्स के ईच रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स की ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रहे आपको पास, ठीक है? अब एक कॉलम है तो आपने एक से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे रो को ये यहाँ पे रख देते हैं, फिर दूसरी रो को यहाँ पर, दूसरी रो को उसी मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये आपने बात याद। तो इसी जहन में रखते हुए बात को अब देखें, क्या पहले चेक करें मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ, इसके दो कॉलम इसकी रोज के इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ से 3 उठाया और मल्टीप्लाई किया 6 से, फिर प्लस 0 को उठाया और आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, -1 उठाया 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 उठाया और आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए बी का रिजल्ट क्या आया? ए बी का रिजल्ट आया भाई देखिए, 3 2 3 6 18 and 0 5 0, माइनस के 6 और फिर प्लस के 10 आ गया आपका रिजल्ट। तो इन्हें ऐड कर देना, बस आगे बात कौन सी रह गई, आगे तो कुछ और रहा ही नहीं, 18 एंड दिस कुड बी एज 4। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। देखें आगे ये बड़ी आसान सी चीज़ें कहते हैं, आपने उन चीज़ों को बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है? ये देखिए, आप कहाँ जा रहे हो, आपको तो हमें जाने ही नहीं देना क्योंकि आपसे हमें काम है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर या ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या फिर बी ए मल्टीप्लाई होते हैं? तो देखें, आपने बी ए को मल्टीप्लाई करना है तो बी का मैट्रिक्स आपने पहले लिखना है, दैट इज 6 and 5, और बी ए का मैट्रिक्स 3 -1 और फिर बेटा जी 0 and 2 सिमिलर। देखिए मल्टीप्लाई करें, बी ऑफ ए वुड बी इक्वल्स टू, आप पहले 6 को, जाहरी बात है अब देखें पहले आर्डर चेक करना लाजिम होता है, मैंने तो मल्टीप्लाई करना भी शुरू कर दिया, तो सबसे पहले हम आर्डर चेक करें। इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2 by 1 और इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है? 2 by 2 है। क्या आपके अकॉर्डिंग टू द रूल, क्या आपके पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है? जवाब है ये तो नहीं है सर। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि इन अकॉर्डिंग टू रूल दे आर नॉट मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक बात और आप अपने जहन में रखें, ये ज़रूरी कभी भी नहीं होता कि बी ए ए बी की मल्टीप्लीकेशन कभी भी बी ए की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, ये कभी नहीं होता। ये आपने यहाँ पे अपना रूल अपने जहन में रख देना है, ठीक है जी? चलें, सो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 में क्या? अब 3 में इसने ये नहीं कहा कि आपने ये चेक करना है कि प्रोडक्ट करनी है तो ये फिर आपने रूल्स भी चेक करनी है, नहीं, आपने वो खुद अब करनी है। चले हम 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें सबसे पहले आप देखें इसमें रो कॉलम कितने हैं, एक रो कितनी है, एक मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आप करके देख लेते हैं। चले 1 and 2 पहला मैट्रिक्स है आपका एज अ कॉलम रो मैट्रिक्स, इसे मल्टीप्लाई करना है विथ 4 and 0 से। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले मैट्रिक्स की आप देखें कितनी रोज हैं, ये आपने चेक करना होगा हर मैट्रिक्स में। तो पहले मैट्रिक्स का आर्डर है 1 by 2 क्योंकि इसमें एक रो और दो कॉलम, इसमें कितने हैं 2 by 1 है, तो इसका मीन्स आर्डर जो है वो आपका क्या है, सेम है। अब देखिए इनकी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, तो आपने फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 4 और फिर प्लस
टू को जीरो के साथ, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो, सो इन टू दिस वे, तो ये सिंगल एलिमेंट आ जाएगा आपका रिजल्ट. सो फोर वन ज़ा फोर एंड टू जीरो ज़ा जीरो, और इसे आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू ओनली फोर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. अच्छा चलें सेकंड को देख लेते हैं. ये कहता है कि वन कामा वन एंड टू, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है आपने फाइव एंड फोर से. चले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. वन को फाइव से करें क्या, ये पहले चेक तो करें, मैं तो चेक ही नहीं करवा रहा आपको. क्या वही बात है ना क्वेश्चन वन वाली, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो वन को आप फाइव से मल्टीप्लाई करें प्लस, और फिर टू को मल्टीप्लाई करें किससे, फोर से. माइनस का है तो आपने माइनस में रख देना. इस तरफ देखिए थोड़ा सा, वन फाइव ज़ा फाइव और टू फोर ज़ा एट, और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस के थ्री. सो ये आपके पास इसका रिजल्ट. थर्ड को देखिए, थर्ड भी केम के सेम ही है, आप यहाँ पे ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. माइनस थ्री को फोर के साथ और फिर ज़ीरो को ज़ीरो के साथ, कुछ इस तरीके से. अच्छा जी, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एंड ज़ीरो, सो यहाँ पे इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू ओनली मैट्रिक्स के अंदर ट्वेल्व एक एलिमेंट रह जाए. सेम ही इसमें बात है, या आपने फोर्थ नंबर खुद करना है. अब देखते हैं फिफ्थ को. फिफ्थ क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा. अब देखिए पहले इसके आर्डर चेक कर लेते हैं. तो इसमें थ्री बाय टू हैं, मीन्स तीन रोज हैं दो कॉलम है. इसमें टू बाय टू है तो यानी कि इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल हैं. तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को लिख रहे वन माइनस थ्री एंड सिक्स, और उसके बाद टू ज़ीरो एंड वन, इसे मल्टीप्लाई करें किसके साथ, फोर ज़ीरो एंड फाइव माइनस के फोर, गेट देयर मल्टीप्लीकेशन. अब देखें कैसे मल्टीप्लाई, वन को अब टू फोर के साथ मल्टीप्लाई करें, वन फोर ज़ा फोर, प्लस बीच में टू को ज़ीरो के साथ, टू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, फिर वन को फाइव के साथ, यहाँ स्पेस देंगे वन को फाइव के साथ, फिर प्लस टू को किसके साथ, माइनस फोर के साथ, फिर माइनस के थ्री को मल्टीप्लाई फोर के साथ, फिर ज़ीरो को ज़ीरो के साथ, फिर माइनस थ्री के थ्री को मल्टीप्लाई करें फाइव के साथ, फिर ज़ीरो को किसके साथ, माइनस फोर के साथ, फिर सिक्स को मल्टीप्लाई करें फोर के साथ और वन को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो के साथ, फिर सिक्स को मल्टीप्लाई करें फाइव के साथ और वन को मल्टीप्लाई करें माइनस फोर के साथ. ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन हो गई. अब आपने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई तो कर लिया. आप देखिए फोर वन ज़ा फोर, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एंड ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो. अच्छा ये हो गया, ये पहला वाला. वन फाइव ज़ा फाइव, फोर टू ज़ा एट माइनस की एट, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन एंड ज़ीरो फोर ज़ा ज़ीरो. अच्छा जी, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी और ये माइनस के फोर हो जाएंगे. अब इन्हें आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, फोर माइनस के ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, और इस तरीके से माइनस के थ्री माइनस के फिफ्टीन एंड ट्वेंटी सिक्स, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. ये था क्वेश्चन नंबर थ्री. अभी देख लेते हैं आगे. कहता है कि इनकी मल्टीप्लीकेशन करें और इन्हें भी वेरीफाई करें. जाहिर बात है, तो मैं देख लेता हूँ लेंथ अभी इस वीडियो की कितनी हो गई है. तो ये वीडियो हो गई है अराउंड मेरे ख्याल से 12 मिनट की हो गई है. तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर फोर को ही कर लेंगे फिर, क्योंकि इससे आगे वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े लंबे हैं. तो पहले फोर को करेंगे, फिर उससे की एक वीडियो में हम फिफ्थ को फाइव को करेंगे, फिर सिक्स को करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह.